हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन डॉग वर्सेस फॉरेन डॉग में कौन सा डॉग आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। देखते हैं इस वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी डॉग ब्रीड की तरफ आपको जाना चाहिए, एक फॉरेन डॉग ब्रीड की तरफ या फिर हमारे देश की इंडियन डॉग ब्रीड की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन डॉग ब्रीड में आपको एक फुल पैकेज डॉग मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको एक हंटिंग डॉग की काबिलियत देखने को मिलती है, साथ में वॉच डॉग की भी, गार्ड डॉग की भी और एक फैमिली डॉग की भी। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं दूसरे डॉग्स की, तो उनके अंदर आपको खाली वॉच डॉग, गार्ड डॉग और साथ में एक फैमिली डॉग की काबिलियत देखने को मिलती है। मोस्टली कुछ डॉग होते हैं जैसे पिटबुल, डोग, अर्जेंटिनो, जिनके अंदर आपको ये चारों खूबी देखने को मिल जाएगी हंटिंग की भी साथ में। लेकिन जो मोस्टली डॉग्स होते हैं जैसे जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, लैब्राडोर, इनके अंदर आपको खाली तीन ही खूबी देखने को मिलेगी, ये वॉच डॉग, गार्ड डॉग और साथ में ये एक अच्छे फैमिली डॉग होंगे। लेकिन जहाँ पे इनके हेल्थ इशू की बात आ जाती है वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा कंसर्न आ जाता है, क्योंकि जो इंडियन डॉग ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है बाकी डॉग के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है कि दूसरी जो फॉरेन डॉग ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ अच्छी नहीं होती उनकी, या फिर उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ही देखने को मिलती है, वो डिपेंड कर जाता है आपकी केयर पे भी। लेकिन जो मोस्टली इंडियन डॉग ब्रीड होती है वो जनरली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है दूसरे डॉग्स के कंपैरिजन में, और साथ में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से घर की डाइट पे भी एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे डॉग्स की, तो आपको उन्हें एक प्रॉपर डॉग फूड खिलाना पड़ता है या फिर उनके खाने के अंदर थोड़े बहुत नखरे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंडियन डॉग ब्रीड में आपको मोस्टली ये नखरे देखने को नहीं मिलते, और ये दोनों ही डॉग ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो लॉयल्टी का आपको किसी भी डॉग को ले हो तो उसमें आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डॉग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। उसमें ये डिफाइन नहीं कर रखा कि ये ब्रीड ही पर्टिकुलर आपके लिए लॉयल रहेगी, ये नहीं रहेगी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। क्योंकि कई लोग ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि भाई ये डॉग लॉयल तो होगा ये नहीं होगा, सारे डॉग लॉयल होते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपका और आपके डॉग का कनेक्शन किस तरीके का है। अगर आपका और आपके डॉग का कनेक्शन अच्छा होगा तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें कि अपने डॉग के साथ अपना कनेक्शन अच्छे तरीके से बना के रखें। और रही बात कि कई लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो हंटिंग डॉग की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो हंट पे जाते ही नहीं और हमें तो इतने बड़े डॉग की जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंस की, तो इंडियन डॉग ब्रीड आप काफ़ी इजी टू ट्रेन हैं जितनी भी डॉग ब्रीड है। मोस्टली आपको कुछ डॉग ब्रीड में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन जितनी भी बाकी डॉग ब्रीड है वो काफ़ी ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ थोड़ी बड़ी डॉग, जो फॉरेन की डॉग ब्रीड हो जाती है बड़ी, जैसे कि ग्रेडन होगी, तो उनके कंपैरिजन में हमारा बुली कुत्ता काफ़ी ईजी टू ट्रेन है, लेकिन ग्रेडन नहीं है। और जो बाकी फॉरेन की डॉग ब्रीड जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मानी जाती है, जैसे कि रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, इस तरीके की डॉग ब्रीड, डोबरमैन हो गया, तो ये इंटेलिजेंट मानी जाती है इनकी लिस्ट के हिसाब से, क्योंकि AKC ने रजिस्टर कर रखी है। लेकिन जो हमारे इंडियन डॉग ब्रीड है वो AKC ने रजिस्टर नहीं कर रखे, जैसे राजापल्यम, ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और ये टक्कर दे सकते हैं। मुधोल हाउंड को खुद हमारी इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, रीज़न होगा उसके इस्तेमाल करने का भी कुछ, कि वो मुधोल हाउंड को ही क्यों चॉइस कर रहे हैं, बाकी बेल्जियन मेरिनोइस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे इंडियन डॉग ब्रीड में भी वो चीज़ खूबी है कि वो बाहर की डॉग ब्रीड को टक्कर दे सकते हैं। तो ये चीज़ थी आज की वीडियो का, जो कंक्लूजन मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों ही डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह अच्छी है, लेकिन मेन चीज़ आ जाती है कि आप किस डॉग ब्रीड के साथ जाना चाह रहे हो, कि आप अपने देश की नेटिव डॉग ब्रीड के साथ जाना चाह रहे हो या फिर आप अपनी फॉरेन डॉग ब्रीड के साथ जाना चाह रहे हो। क्योंकि जो हंटिंग का चीज़ होती है वो मोस्टली डॉग हंटिंग पर लेके नहीं जाते अपने डॉग को आजकल, और वैसे भी हंटिंग ज़रूरी नहीं है कि अपने डॉग को लेके जाओ, लेकिन आपके पास एक एज होता है कि आपका डॉग में आपको एक हंटिंग की स्किल देखने को मिलती है। और इंडियन डॉग ब्रीड मोस्टली आपको एक फास्ट रनर देखने को मिलते हैं, जैसे मुधोल हाउंड हो गया, रामपुर ग्रेहाउंड हो गया, इस तरीके की जो डॉग ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक रनिंग डॉग ब्रीड होती है, जिनके अंदर आपको हेल्थ इशू कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जर्मन शेफर्ड, जितने भी एंगुलेशन वाले हो रहे हैं, उन सब के अंदर आपको रेयर जो लेग्स की प्रॉब्लम है वो ज़रूर देखने को मिल जाएगी, 90% डॉग्स में देखने को मिलेगी एक एज के बाद, वो ज़्यादातर में हो ही जाती है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है कि आप किस डॉग की तरफ जाओगे, जो एक हेल्दी डॉग ब्रीड है या फिर एक अनहेल्दी डॉग ब्रीड। ऐसा नहीं है कि आपको फॉरेन डॉग ब्रीड में अनहेल्दी डॉग देखने को मिलेंगे, हेल्दी डॉग भी होते हैं वहाँ पे, वो चॉइस आप पे आती है कि आप कौन सी डॉग की तरफ जाना चाहते हो, कि आप फॉरेन डॉग को अडॉप्ट करते हो या फिर इंडियन डॉग को अडॉप्ट करते हो, वो चॉइस आपकी होगी, क्योंकि आपके घर में आप अपनी पसंद से एक डॉग लेके आ रहे हो और आपको उसे एक प्रॉपर लाइफ टाइम के लिए रखना है, तो वो चीज़ आप ज़रूर सोच समझ के लें। अगर आपके पास पहले से एक डॉग है तो कोशिश ये करना कि आप दूसरा डॉग लेके आओ वो एक इंडियन डॉग हो, या फिर आप स्टार्टिंग में इंडियन डॉग रख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो बुली कुत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन जैसे राजा पल्यम भी आज की डेट में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन रामपुर ग्रेहाउंड वो थोड़े कम पॉपुलर हैं, जोनांगी डॉग वो भी काफ़ी ज़्यादा कम पॉपुलर हैं, एक्सटेंशन के कदार पर बकायदा।
तो ऐसी डॉग ब्रीड को थोड़ा बहुत पॉपुलर करो जिसके चलते कि उनकी भी ब्रीडिंग हो और वो एक्सटेंड ना हो कम से कम। तो ये चीज़ थी आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं आई हो डिसलाइक कर देना। कमेंट्स में बताना कि आप कौन सी डॉग की तरफ जाना चाहोगे, इंडियन डॉग या फिर फॉरेन डॉग ब्रीड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।